राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से दो दिन का हरिद्वार दौरा, पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी आज देश की जनता के साथ करेंगे मन की बात। आज सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम का 13वां कड़ी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सुबह 11:30 बजे सर्वदलीय मीटिंग, पीएम मोदी के साथ विपक्षी दलों के 100 लीडर्स भी शामिल होंगे। आज देवरिया जाएंगे सीएम योगी। भाटपार पानी तहसील के रघुराज सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज बहियारी बकेल में जनसभा को करेंगे संबोधित। देवरिया में सीएम योगी कई अहम परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुराज सिंह की मूर्ति का करेंगे अनावरण। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की रैली, दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे यूपी के बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी की रैली और चौला में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बोले योग गुरु बाबा रामदेव, यूपी में बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच कांटे की टक्कर। अखिलेश यादव का बीजेपी पर कड़ा प्रहार, कहा कि जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने सामने से चलाई थी गोलियां, बीजेपी वालों ने किसानों पर पीछे से जीप चढ़वा दी। ग्वालियर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बदल नहीं सकते हिंदू संस्कृति, आपसे झगड़े हो बंद, कहा जैसे चहती इसराइल की पहचान वैसे हिंदू भारत की पहचान। प्रधानमंत्री मोदी का एक और जेपी नड्डा से चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। जौनपुर में विपक्ष पर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले बुआ बबुआ नहीं, यूपी को चाहिए केवल बाबा। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा के कमल शक्ति संवाद का स्मृति ईरानी ने किया समापन। लखनऊ में एथेनॉल के टैंकर में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में खड़ा था टैंकर। कानपुर में 2000 करोड़ की ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार, पैसे डबल करने के एवज में मांगे थे पैसे। खेल प्रतियोगिता के कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का सपा अध्यक्ष पर निशाना, कहा कि अखिलेश यादव दंगे करवाते थे, आज हम दंगल करवाते हैं। किसानों ने स्थगित किया संसद मार्च, 24 नवंबर को नहीं निकालेंगे ट्रैक्टर, मार्च 4 दिसंबर फिर से मीटिंग। आंदोलन पर बैठे किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील, कानून वापसी के बाद आंदोलन का कोई औचित्य नहीं। महोबा में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली, प्रियंका गांधी ने किया संबोधन। महोबा में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली, प्रियंका गांधी ने रैली को किया संबोधन। बलिया में बसपा नेता ने चाचा भतीजे के गठबंधन पर कसा तंज, कहा कि अब ये पंचायत का मामला हो गया। बिरसापुर में माता विंध्यवासिनी के धाम पहुंचे जल शक्ति विभाग मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह। नोएडा के सेक्टर 35 बस डिपो का निरीक्षण करने पहुंचे परिवहन मंत्री अशोक कटारिया। नोएडा में तेलंगाना, दिल्ली और नोएडा पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, कॉल सेंटर के जरिए ठगी करने वाले 17 आरोपी गिरफ्तार। बांदा में पति ने दिया पत्नी को 3 तलाक, पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। बरेली में एसटीएफ ने 1 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से किसान की मौत, गन्ने के खेत में काम कर रहा था किसान। कन्नौज में महिला ने सुसाइड नोट लिखकर की आत्महत्या, लोगों पर मारपीट और शोषण का आरोप लगाया। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में गोस्वामी नहीं कर सकेंगे अपनी मनमानी, जबरन चंदन का टीका लगाने वालों पर न्यायालय ने लगाया प्रतिबंध। सहारनपुर में समाधान दिवस पर एडीजी ने लोगों की सुनी समस्याएं, पुलिस अधिकारियों को दिए समस्या के निस्तारण के निर्देश। मथुरा में यमुना नदी में डूबने से युवक की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ललितपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते घर में लगी आग, लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हादसा। झांसी में नीट 2021 की काउंसलिंग को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, सिर्फ इमरजेंसी सेवा रहेगी चालू। चित्रकूट में नकली खाद के साथ 2 युवक गिरफ्तार, 310 बोरी नकली खाद बरामद।